मंडी में आम आदमी की हुंकार और रैली के दौरान दिए गए बयानों पर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में हारे पीटे और नकारे नेता शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, एक और आम आदमी पार्टी कहती है कि हम साफ छवि के आम आदमी को मौका देंगे, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस और भाजपा से नकारे हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फोटोकॉपी के वह लोग हैं इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को प्रदेश के नेताओं का तिरस्कार करने का कोई हक नहीं है। प्रदेश में जो यह विकास हुआ है वह रातों रात नहीं हुआ है। इसमें चाहे कांग्रेस के राजा वीरभद्र सिंह हों या भाजपा के नेता शांता कुमार या प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हों, सभी का इसमें योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में स्वागत है और हिमाचल के लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां करना निंदनीय है। और मैं पहले ही कह चुका हूं, हारे हुए पिटे हुए नकारे हुए नेता आज आम आदमी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। उनके पास आज एक ऐसा कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं है जो अपने आप में कोई वजूद रखता है। जिनको भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने नकारा हुआ है आज वो जाकर जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कहां आपका आम आदमी कहती है कि हम नए लोगों को मौका देंगे, जमीन से जुड़े हुए मौकों को मौका देंगे, ये तो जो है फोटोकॉपी है। वो भी फोटोकॉपी भी जो है काली वाली फोटोकॉपी है जिसका जिसको डस्टबिन में फेंकने का कार्य होता है। उन लोगों को जो है ये इन्होंने जो है वो सिर के ऊपर बिठाया हुआ है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश में ऑल्टरनेटिव है, हमारे पास मजबूत लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी में बहुत से क्रेडिबल फेसेस हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जिनका जो लोगों के बीच में एक अच्छा जनाधार है, और हम खुद जो है वो वीरभद्र सिंह जी के किए हुए कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। हम पहले ही कह चुके हैं हिमाचल प्रदेश में एक ही मॉडल सक्सेसफुल है और वो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है जिसको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है पहले उसको पढ़े। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी की सरकार को बना कांग्रेस पार्टी का रहा है, हिमाचल प्रदेश को पंजाब राज्य से कार्व आउट करके एक अलग राज्य बनाया गया, जहां पे 200 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें थी आज वहां पे 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हैं। आज हिमाचल प्रदेश एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, आज प्राइमरी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, आज हिमाचल प्रदेश सबसे जो है फर्स्ट राज्यों में जो है वो देश में आता है। ओवरनाइट ये कार्य नहीं हुए हैं, ठीक है, उनकी नई नई जीत पंजाब में हुई है और हिमाचल में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, मगर वो हमारे नेताओं का तिरस्कार ना करें। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हैं, प्रेम कुमार धूमल हैं, शांता कुमार जी हैं, सब लोगों का योगदान हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। आज आकर इस तरीके की बात करने की कोशिश वो करी जा रही है, इसका हम जो है वो निंदा करते हैं। वो आए हिमाचल में, हिमाचल के लोगों के का विश्वास जीते, हमें उसमें कोई जो है आपत्ति नहीं, मगर ये कहना कि पूर्व के नेताओं ने कोई कार्य हिमाचल प्रदेश में नहीं कहा किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। राजनाथ सिंह जी जब पिछले चुनावों में यहाँ पर आए थे 2019 के चुनावों में, तो उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार दूसरी बारी बनेगी हम एकदम जो है हाटी समुदाय की नोटिफिकेशन जो है वो ट्रांसगिरी इलाके की निकालेंगे। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज इनके सांसद हैं, चार सांसद हैं, पांच सांसद हैं राज्यसभा को मिलाकर, उसके बावजूद जो है ये कोई कार्यवाही इस पर नहीं हो पाई है। ये केवल जुमले दिखाते हैं, केवल जो है लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर जब हिमाचल प्रदेश के हितों की बात आती है तो हमारी रक्षा करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो जाती है और फिर जो है डबल इंजन का हवाला दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सरकार केवल जो है जुमलों से भरी हुई है और हिमाचल प्रदेश के कोई भी हित इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। हम अपनी पूरी डॉक्यूमेंट इसके ऊपर बना रहे हैं, चाहे ओपीएस का मसला है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का मसला है, चाहे और मसले हैं, हम पूरी गहराई से इसके ऊपर जो है वो पढ़ रहे हैं। हम बहुत जल्द इन मसलों को लेकर लोगों के बीच में आएंगे और हमने पहले ही कह दिया है कि जो हमने वादे करेंगे वो इम्प्लीमेंट जो है जैसे ही हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, जो प्रदेश संबंधित मसले हैं उनको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी करेंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे।